राम राम, जय जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल थाना नाम साहू ब्लॉग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेमेतरा के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस यानी कि 10 सबसे सुंदर पर्यटक स्थल के बारे में। बेमेतरा छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है जहाँ के सुंदर सुंदर पर्यटक स्थल हैं जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ कई शक्तिपीठ मंदिर, पक्षी विहार, धार्मिक मेला स्थल व सरोवर स्थित हैं। तो चलिए गाइस, एक एक कर जानते हैं बेमेतरा के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। इसमें पहले नंबर पे है सिद्धि माता मंदिर। सिद्धि माता मंदिर बेमेतरा जिले के ग्राम संडी में स्थित है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ भक्तों के द्वारा हजारों की संख्या में मनोकामना ज्योत जलाई जाती है और बहुत दूर दूर से भक्तगण माता का दर्शन करने आते हैं और माता को मनोकामना पूर्ण करने वाली माता भी कहा जाता है। चाहे संतान सुख प्राप्त करना हो या फिर नौकरी व्यवसाय पाना हो, सभी की मनोकामना माता पूर्ण करती है। यही कारण है कि हर साल होली के दूसरे दिन से लेकर 13 तक हजारों की संख्या में बकरे की बलि दी जाती है। दूसरे नंबर पे है भद्रकाली माता मंदिर। भद्रकाली माता मंदिर बेमेतरा शहर के बीचों बीच में स्थित है और यह सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है और नवरात्रि के दिनों में यहाँ सैकड़ों की संख्या में मनोकामना ज्योत जलाई जाती है। इस मंदिर के प्रांगण में माता रानी के साथ साथ शंकर जी, पार्वती मैया और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है और इस मंदिर के सामने में दक्षिणमुखी हनुमान जी की मंदिर स्थित है और यहाँ प्रतिदिन माता रानी का दर्शन करने के लिए भक्तों का आना जाना लगा रहता है और नवरात्रि के दिनों में यहाँ सैकड़ों की तादाद में भक्तगण माता का दर्शन करने आते हैं। तीसरे नंबर पे है कारोकन्या मंदिर बेरला। कारोकन्या मंदिर बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक में स्थित है और माँ कारोकन्या यहाँ कुमारी कन्या के रूप में विराजमान है। इस मंदिर के गर्भगृह में देवी लक्ष्मी, माँ काली और माता सरस्वती विराजमान है। इस मंदिर के बाहर में 72 फीट ऊंचा तथा 52 फीट मोटा शिवलिंग का निर्माण किया गया है। चौथे नंबर पे है महामाया माता मंदिर बुचीपुर। यह मंदिर बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुचीपुर में स्थित है। यह मंदिर यहाँ का प्रमुख आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में किया गया था और यह मंदिर करीब 170 साल पुराना है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ सैकड़ों की संख्या में मनोकामना ज्योत जलाई जाती है और यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ काफ़ी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और इस मंदिर की दीवारों पर अनेक देवी देवताओं का सुंदर चित्रण किया गया है। पांचवें नंबर पर है जूनी सरोवर। जूनी सरोवर बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम ढंढनी के खेतों के बीच में स्थित है। यह एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। पौष पूर्णिमा तथा छेरछेरा पुन्नी के दिन यहाँ प्रति वर्ष विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार जूनी सरोवर में सच्ची आस्था के साथ स्नान करने पर चर्म रोग, कुष्ठ रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। साथ ही सातनी संतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि जूनी मैया की दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसकी मान्यता का प्रमाण आयोजित होने वाले मेले में जगह जगह पर होने वाले सत्यनारायण की कथा व पूजा पाठ और हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ से लगाया जा सकता है। छठवें नंबर पर है स्वयंभूपुरी धाम मरका। स्वयंभूपुरी धाम मरका बेमेतरा से नवागढ़ मार्ग पर बड़कीडीह से 2 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित है। यह मंदिर हाफ नंदी और तुरतुरिया नाला के संगम स्थल पर स्थित है। यह एक स्वयंभू शिव मंदिर है जो लगातार इस शिवलिंग का आकार बढ़ता जा रहा है। इस मंदिर प्रांगण में लगभग 12 से अधिक छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं और इस मंदिर के आसपास के जगहों में बेल का पेड़ और अन्य सुंदर सुंदर फूलों का पेड़ लगाया गया है। माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के पर्व में यहाँ
प्रति वर्ष विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ अलग अलग जगहों से संत महात्मा और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए व मेला घूमने के लिए आते हैं। सातवें नंबर पे है सीता देवी मंदिर। यह मंदिर बेमेतरा जिला के ग्राम देवर बीजा के तालाब किनारे में प्राचीन सीता देवी मंदिर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। पुरातत्व संभाग द्वारा संरक्षित इस मंदिर के गर्भगृह के द्वार में गंगा और यमुना का चित्र अंकित है और साथ ही साथ इस मंदिर के दीवारों में अनेक देवी देवताओं और हाथी का चित्र अंकित किया गया है और इस मंदिर के पास में ही एक सुंदर प्रतीक स्तंभ बना हुआ है। आठवें नंबर पे है बजरंगबली मंदिर सहसपुर। यह मंदिर बेमेतरा जिले के सहसपुर गांव में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संरचित बजरंगबली मंदिर और शिव मंदिर स्थित है। बजरंगबली का यह मंदिर 8 स्तंभों पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 13 से 14 ईस्वी के मध्य नागवंशी शासकों के द्वारा कराया गया था। इस मंदिर के बाहरी दीवारों में सुंदर चित्र बनाया गया है। नौवां है शिव मंदिर महीदही। यह मंदिर बेमेतरा जिले के साचा ब्लॉक के महीदही गांव में स्थित है। यह स्वयंभू शिवलिंग है। यह शिवलिंग 3 भागों में बटा है जिसे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश माना जाता है। इस मंदिर में शिवरात्रि के समय मेला लगता है और सावन के पर्व में भी भक्तों का आना जाना लगा रहता है। दसवां है पक्षी विहार। यह पक्षी विहार बेमेतरा का एक छोटा सा गांव गिद्धा परसदा प्रवासी पक्षियों के कारण देश विदेश में जाना जाता है। इस स्थान पर प्रवासी पक्षी देश विदेश से यहां रहने आते हैं। करीब 100 एकड़ में फैले इस तालाब में 143 प्रकार के पक्षी के प्रजाति पाई जाती हैं, जिसमें 26 स्थानीय प्रवासी प्रजातियां, 11 विदेशी प्रवासी प्रजातियां तथा 106 स्थानीय आवासीय प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां यूरोप, बांग्लादेश, मंगोलिया, बर्मा से हर वर्ष अक्टूबर में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं और नवंबर से मार्च तक पक्षी यहाँ रहते हैं। अगर आप भी पक्षी प्रेमी हैं और आप नेचर में घूमना चाहते हैं तो आप यहां पर जरूर आइए। घूमने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। दोस्तों, यह है बेमेतरा के 10 सबसे सुंदर पर्यटक स्थल के बारे में। और दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए आप इनमें से कौन कौन से जगह पर घूमने के लिए जा चुके हैं। और दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे वे भी बेमेतरा के घूमने वाली जगह के बारे में जान पाए। और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।